ऑनर 7C बड़े आराम से उसे पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया और कई जगहों पर अवेलेबल भी हो गया मार्केट के अंदर परचेज़ के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऑनर 7C के बारे में ही बात करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर, आप देख रहे हो बी टेक जज्बा। लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे ज़रूरी बता दूँ यार, ये रिव्यू वीडियो नहीं है, मेरी ओपिनियन वीडियो जिसके अंदर मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और बता दूँ कि क्या फ़ोन आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं। हमेशा की तरह मैं वीडियो के स्पेक्स के बारे में बात करूँगा, डिज़ाइन के बारे में बात करूँगा, फ़ोन में क्या अच्छी चीज़ें उनके बारे में बात करूँगा, कि बुरी चीज़ें उनके बारे में बात करूँगा, और किसी फ़ोन के साथ इसको कंपेयर करूँगा सेम प्राइस रेंज के अंदर, और आपको बताऊँगा कि दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको परचेज़ करना है। सबसे पहले स्पेक्स से शुरू करते हैं। इसमें आपको 6 इंचज़ की डिस्प्ले मिलेगी जो कि 8:9 रेशियो डिस्प्ले है, नया डिस्प्ले है, 720p डिस्प्ले आपको मिलेगा। इसी तरह 269 PPI डेंसिटी मिल जाएगी, 3 GB 32 GB स्टोरेज मिल जाएगी, डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा आपको 13 और 2 MP का, फ्रंट पे आपको 8 MP का कैमरा मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 450 के साथ मिलेगा आपको, 1.8 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और एड्रीनो 506 GPU आएगा। बैटरी की बात करें तो 3000 mAh की बैटरी रखी गई है और एंड्रॉयड ओरियो आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो प्राइस निकल के ये सामने वो 20,000 रुपये है। ये वही प्राइस है जिसके अंदर आपको हुआवे Y7 Prime 2018 का भी मिलेगा। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि दोनों में से आपको कौन सा परचेज़ करना है, लेकिन उससे पहले हम ज़रा डिज़ाइन के बारे में बात कर लें। डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, आप सबसे पहले आपको कैमरा, ईयरपीस, सेंसर मिलेंगे, फिर 6 इंचज़ की डिस्प्ले मिलेगी, बॉटम पे आपको टच कैपेसिटी बटन्स मिलेंगे जो कि ऑन स्क्रीन टच कैपेसिटी बटन्स है, बैक पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, फ्लैश मिलेगी, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, ऑनर की ब्रांडिंग मिलेगी, और ये डिज़ाइन का सारा सीन है इस डिवाइस का। अब बात कर लेते हैं क्या अच्छी चीज़ है फ़ोन के अंदर। अच्छी चीज़ों में सबसे पहले मैं हाईलाइट करूँगा स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के अंदर। काफ़ी अच्छी बात है कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर आ रहे हैं। पहले पाकिस्तान के अंदर 2017 में अगर बात करें तो इस प्राइस के अंदर सिर्फ आपको मीडिया टेक के फजूल फजूल तरीन प्रोसेसर मिलते थे। अब अच्छी पॉइंट ये हुई है कि हुआवे इसके अंदर 450 का प्रोसेसर लेके आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ साथ इस प्राइस रेंज के अंदर आपको नया डिज़ाइन मिल रहा है जो कि बाकी कंपनियों को भी सीखना चाहिए कि नया डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 का यही ट्रेंड है कि 8:9 रेशियो डिस्प्ले आ रही है, तो इसमें आपको वो भी मिल रहा है। साथ ही साथ नया ट्रेंड डुअल कैमरा सेटअप, डुअल कैमरा सेटअप बिल्कुल नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप भी मिल रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। बुरी चीज़ों के बारे में बात करें तो इस प्राइस के मुताबिक मुझे कुछ बुरा लगा नहीं है फ़ोन के अंदर, लेकिन 3000 mAh की बैटरी कहूँगा मैं थोड़ी कम है, 3300-3500 करते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन क्योंकि स्नैपड्रैगन 450 है तो आपको बैटरी टाइम ठीक ठाक ही मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन परचेज़ करना है या क्या ये फ़ोन आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं। अब दो फ़ोन है इसी प्राइस रेंज के अंदर, एक ऑनर 7C है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ और दूसरा हुआवे का Y7 Prime 2018। दोनों फ़ोन की प्राइस 20,000 रुपये है, दोनों में सेम डिस्प्ले है, सेम रेजोल्यूशन है, दोनों की जो स्टोरेज है मेमोरी स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज वो भी सेम है, दोनों के अंदर कैमरास भी सेम है, दोनों के अंदर बैटरीज भी सेम है, डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक फ़र्क है सबसे बड़ा जिसकी वजह से मेरा ख्याल आपको ऑनर 7C लेना पड़ेगा, वो है प्रोसेसर का। जो ऑनर 7C है उसके अंदर आपको मेरा स्नैपड्रैगन 450 1.8 GHz ऑक्टा कोर है और एड्रीनो 506 GPU मिल रहा है, जबकि जो Y7 Prime 2018 है उसके अंदर आपको 430 मिल रहा है और 1.4 GHz ऑक्टा कोर है, एड्रीनो 505 है, तो एड्रीनो भी कम है, प्रोसेसर भी पुराना है और जो क्लॉक स्पीड है वो भी कम आपको प्राइम में मिल रही है, लेकिन आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है 7C में। तो मेरा ख्याल है इस प्राइस रेंज के अंदर ऑनर 7C लेना काफ़ी बेहतर रहेगा। तो यही थी ये वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ाना 7 बजे और 9 बजे आपके लिए वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। आप 9 बजे टेक न्यूज़ की वीडियो ज़रूर देखना। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।